subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. चलिए एसएमई कॉर्नर में पहले तो बीएससी एसएमई आईपीओ इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए. मेन बोर्ड पे अच्छी खासी मजबूती आपको नजर आएगी, तो एसएमई आईपीओ इंडेक्स भी देखिए, यानी कि तमाम स्टॉक्स इंडेक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं. 0.25% का उछाल यहाँ पे, और इनफैक्ट यहाँ पे भी एक ओपनिंग के बाद से लगातार एक्युमुलेशन देखने को मिल रहा है, और इस समय ये इंडेक्स दिन के हाईस पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा. लेकिन चलिए, वरुण और सोनम दोनों जुड़ चुके हैं, तो वरुण आज आपको बताएंगे जो तमाम एसएमई कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, तगड़ा डिविडेंड इस समय डोल आउट करती हुई नजर आ रही हैं. तो वरुण ने वो स्टडी करी है, तमाम वो कंपनीज निकाली हैं जिन्होंने डिविडेंड डोल आउट करे हैं. सोनम बताएंगी जो रीसेंट लिस्टिंग्स हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस. जरूरी है एक ट्रैक रखना उनकी परफॉर्मेंस पर. और आज एक काम मैं करूंगा कि जो एनुअल रिजल्ट्स आए दो एसएमई कंपनीज के, वो आपके सामने मैं रखूंगा. लेकिन वरुण, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि अब तक हमने डिविडेंड की बात नहीं करी, तो वाकई का तगड़ा डिविडेंड डोल आउट हो रहा है स्पेस में? डेफिनेटली आशीष, अच्छा खासा डिविडेंड डोल आउट हो रहा है. पिछले कुछ दिनों से हम लगातार नतीजों की बात कर रहे थे, और नतीजों के साथ काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया, और ये फाइनल डिविडेंड है. करीब 12 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया, और 4 कंपनियां तो इसमें से ऐसी है जिन्होंने 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है, और 8 कंपनी ऐसी है जिन्होंने ₹0.50 यानी कि 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है. नाम आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे एक एक करके, लेकिन मैं उन कंपनियों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है. के वी एग्रो पावर्स, मैक पावर CNC, आइस मेकिंग रेफ्रिजरेशन और सोलेक्स एनर्जी, ये वो 4 कंपनीज हैं जिन्होंने 1 रुपये के आसपास डिविडेंड का ऐलान किया है. और देखिए, सिर्फ डिविडेंड को नहीं देखना चाहिए, हमें डिविडेंड यील्ड को भी देखना चाहिए, क्योंकि आशीष याद है आपको, हम डिविडेंड डार्लिंग करते थे, तो यहाँ इक्का दुक्का ऐसी कंपनीज है जो शायद उसमें भी क्वालिफाई होती है. मैं एक कंपनी पढ़ रहा था, लक्ष्मी कॉटस्पिन लिमिटेड, ₹11.50 का शेयर है, लेकिन ₹0.50 का इसने डिविडेंड दिया है. तो अगर आप फाइनल डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड यील्ड निकाले तो करीब ₹4.50 के आसपास आती है. तो हम, याद होगा आपको, जब हम डिविडेंड डालिंग करते थे तो ₹4 से ₹6 के आसपास जिन्होंने डिविडेंड यील्ड है उन स्टॉक्स की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी उसमें क्वालिफाई होता है. तो काफ़ी सारी कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड दिया है, और काफ़ी ने तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है. डिविडेंड यील्ड स्ट्रॉन्ग, 4.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आती हुई, तो वैसे भी कंपनी की तरफ से डिविडेंड डोल आउट तगड़ा होता हुआ. लेकिन सोनम, आपके सवाल को दो पार्ट में ब्रेक करता हूं. पहले तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दें, जो हाल की लिस्टेड कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? So, आशीष, पिछली बार मैंने कहा था कि आईपीओ की बारिश हो रही है एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी, तो यहाँ पर जो लिस्टिंग्स है वो काफी ज्यादा है. 12 लिस्टिंग्स ऑलरेडी मई महीने में हो चुकी है, शायद और 2-3 होने वाली है, बाकी अभी तक होना, पर 12 टोटल हो चुकी है. उसमें से 8 जो है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे हुई है, और 4 एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे हुई है. लेकिन जो परफॉर्मेंस है इतने जबरदस्त आईपीओ का, वो परफॉर्मेंस कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 कंपनीज हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और 4 कंपनीज हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं. एक कंपनी है जो अपने इश्यू के प्राइस ही ट्रेड कर रही है. तो आईपीओ भले ही बहुत सारे आ रहे हो, लेकिन परफॉर्मेंस इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है. मार्केट का मूड भी वैसे सोम्बर हो गया है, तो आपको इस बात को पर्सपेक्टिव रखना है कि सेकेंडरी मार्केट्स में भी पिटाई है, हम मेन बोर्ड जो कहते हैं वहां पर भी पिटाई हुई थी ऑफ लेट, तो मूड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, तो उससे एसएमई मार्केट भी अछूते नहीं है. लेकिन अगर जैसे आपने कहा डिसअपॉइंटमेंट था, और 4 ही आईपीओस बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, तो बेस्ट और वर्स्ट बताएं कौन सी रही? सो बेस्ट कंपनीज के साथ शुरुआत करते हैं. 2 कंपनियां हैं उसमें, E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, ये कंपनी जो आईटी बेस्ड है या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है. इस कंपनी को रिस्पॉन्स या फिर सब्सक्रिप्शन भी बेहद ही तगड़ा मिला था, लगभग 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स भी दे रहा है स्टॉक. 22% अभी तक पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए है. इसके साथ दूसरी कंपनी है इंडो US बायोटेक लिमिटेड, ये कंपनी ने 9% के रिटर्न्स दे दिए हैं, और ये कंपनी सबसे ऑलमोस्ट कह सकते हैं सबसे छोटी इश्यू साइज में थी, लेकिन रिटर्न्स अच्छे दे रही है. बैड परफॉर्मेंस की बात करें तो US जवेरी लिमिटेड 36% के नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए. ये स्टॉक सिर्फ पिछले हफ्ते लिस्ट हुआ है और ऑलरेडी 36% के नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं, तो बेहद ही खराब प्रदर्शन इस कंपनी की तरफ से. अक्षर स्पिनस्टेक लिमिटेड 18% नेगेटिव रिटर्न्स, सॉफ्टेक इंजीनियर्स लिमिटेड 13% के नेगेटिव रिटर्न्स, और माइलस्टोन फर्नीचर लिमिटेड 11% के नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है. ओके, तो ये वो प्रदर्शन जिन ऑफ लेट आईपीओस का आपके लिए. सोनम पूरी डिटेल्स लेकर आई. अच्छा, फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 2 एसएमई कंपनीज आज मेरे रडार पर हैं. एक तो पहली है KKV एग्रो पावर्स. पहली बार नाम सुना है, बताता हूं क्विकली करती क्या है. इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और ट्रेडिंग कंपनी है.
इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 7 मेगावाट की एग्रीगेट कैपेसिटी है, जिसमें 6 मेगावाट विंड और 1 मेगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है, जो कि तमिलनाडु में है सारे के सारे। अब रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए हैं, FY18 में कंपनी की आय में 22% का उछाल, 6.25 से बढ़कर 7.5 करोड़ रुपए पे पहुंची। EBITDA 37% उछला, लेकिन मुनाफे में 7% का उछाल है। तो EBITDA के सामने मुनाफे में कम उछाल क्यों? मैं देख रहा था डिप्रिसिएशन में, ब्याज और टैक्सेस में उछाल था, और इसके लिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट, अदरवाइज नंबर्स स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कंपनी है आदित्य विजन। अब ये कंपनी मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट रिटेल चेन चलाने का काम करती है, जिसमें तमाम एंटायर रेंज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दिए जाते हैं, जैसे कि विजय सेल्स वगैरह हुआ बॉम्बे में, अगर आप रहते हैं नाम सुना होगा। तो इस कंपनी की जो आउटलेट्स हैं उसमें एयर कंडीशनर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स वगैरह मिलेंगे आपको, और तमाम LG, सैमसंग, सोनी सबके ब्रांड जो रखती है। पटना में बिहार के एक स्टोर से शुरू कर रहा था, और आज बिहार में इस कंपनी के पास 19 स्टोर्स या आउटलेट्स हैं। रेवेन्यूज में FY18 में 48% का उछाल, और तगड़े 361 करोड़ से बढ़कर 536 करोड़ रुपए पे रेवेन्यूज पहुंचे हैं। EBITDA 50% उछला है, और मुनाफे में इसी के चलते 60-65% का उछाल, हालांकि छोटे बेस 1.7 करोड़ रुपीज का मुनाफा बढ़कर 2.8 करोड़ रुपीज पे पहुंचता हुआ। तो ये था पूरा वो 360 डिग्री राउंडअप देने की कोशिश, रीसेंट SMEs में क्या हलचल चल रही है, क्या अपडेट्स हैं वो आपके लिए। वरुण और सोनम, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और चलिए आज के SME कॉर्नर में भी इतना ही। अब अगली मुलाकात SME कॉर्नर में होगी हमारी बुधवार को 1:40 के आसपास, और आज न्यूयर कंपनी में भी इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।